हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई सेक्स ऑर्गन्स हैं, जिनका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ऑर्गन्स बॉडी के आउटसाइड में और पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें पेनिस और टेस्टिकल्स इंपॉर्टेंट मेल सेक्स ऑर्गन है, जो सेमेन और स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। फीमेल बॉडी में फर्टिलाइज्ड ओवम जायगोट बनाता है। जायगोट बाद में फीटस में डेवलप होता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें है पेनिस। पेनिस एक मेल इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है। इंट्रोमिटेंट ऑर्गन यानी मेल ऑर्गेनिजम्स का एक एक्सटर्नल ऑर्गन। पेनिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे एक लॉन्ग शाफ्ट होती है। इसके टिप में बल्बस एनलार्जमेंट होता है, जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। सेक्सुअल अराउजल के वक्त पेनिस इरेक्ट होता है। इरेक्शन में पेनिस का ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है। इरेक्टाइल टिश्यू ब्लड से फिल होते हैं। हमारे पेनिस को पुडेंडल आर्टरी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो पेनिस के पीछे प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम टेस्टिकल्स को होल्ड करता है और प्रोटेक्ट करता है। इनमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम हमारे टेस्टिकल्स को बॉडी से दूर रखता है, ताकि बॉडी टेम्परेचर से स्पर्म प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्रोटम हमारे इंग्वाइनल कैनाल की मदद से एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी से कनेक्टेड होता है। इंग्वाइनल कैनाल एक स्पर्मेटिक कॉर्ड है, जो स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन और स्पर्मेटिक नर्व्स और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये थे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। अब बात करते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें है टेस्टिस। टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक, ये जर्म सेल्स के मियोटिक डिवीजन से स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा ये एंड्रोजेंस को बनाते हैं और सिक्रेट करते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अब बात करते हैं इपिडिडाइमिस के बारे में। इपिडिडाइमिस एक लॉन्ग टाइटली कॉइल्ड व्हाइटिश ट्यूब है, जो स्पर्म को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। जब स्पर्म इपिडिडाइमिस से गुजरते हैं, तब वो मैच्योर और कॉन्सेंट्रेटेड किए जाते हैं। वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को स्पर्मेटिक डक्ट भी कहते हैं। ये एक थिन ट्यूब है, जो अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये इपिडिडाइमिस से स्टार्ट होती है और पेल्विक कैविटी तक जाती है। वास डिफरेंस हमारे स्पर्म को इजेकुलेटरी डक्ट में ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।